नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज के खबर की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक गाने के बोल सुनाते हैं। गाना है फिल्म 1985 में आई राम तेरी गंगा मैली हो गई से। गाने के बोल है मैं ही मैं हूं, मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्ते से कारवां तक, जमी से आसमां तक, मैं ही मैं हूं। आज देश की नई संसद के लिए नींव डाली गई, उसका शिलान्यास समारोह हुआ, लेकिन उस शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही केवल नजर आए। और क्या यह गाना मैं ही मैं हूं उन पर सटीक नहीं बैठता है? क्योंकि देश की संसद के तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नजर आते हैं। राष्ट्रपति को उसमें क्यों नहीं आमंत्रित किया गया, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति जी को उसमें क्यों नहीं आमंत्रित किया गया, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। और उस कार्यक्रम के अंदर केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं और उन्हीं का भाषण होता है, तो क्या ऐसे में सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि वो मैं ही मैं हूं की शिकार हो गए हैं? यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? और सबसे बड़ी बात और सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं कि शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान हवन पूजन किया गया, देश की संसद के लिए नींव डाली जा रही थी। देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, देश की संसद में हर धर्म से चुने हुए जनता के प्रतिनिधि पहुंचते हैं। ऐसे में केवल एक ही धर्म का वहां पर महिमा मंडन किया जाना, क्या वो सही है? हां, बेशक वहां पर सर्व धर्म के लिए एक प्रार्थना की गई, लेकिन क्यों नहीं एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता कि वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ करके नींव की पहली ईंट रखी जाती। हवन क्यों करवाया गया और केवल एक ही धर्म को तवज्जो क्यों दी गई, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। और लोग तो यहां तक लिख रहे हैं, एक पत्रकार है प्रशांत कन्नौजिया, उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति साहब को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित है, और अगर दलित को बुलाते और हवन के कार्यक्रम में बैठाते तो ऐसे में वो कार्यक्रम खंडित हो जाता, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। लेकिन सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या देश क्यों आज वाकई एक नए संसद की जरूरत है, एक नए संसद भवन की जरूरत है? देश ऐसे समय में कोरोना महामारी से गुजर रहा है, देश में जीडीपी माइनस में पहुंच चुकी है, कोरोना महामारी से मौतों का आंकड़ा 1.5 लाख को पार कर चुका है। ऐसे में क्या वाकई हमें एक नए संसद भवन की जरूरत है जिसकी लागत 20,000 करोड़ रुपए है? 20,000 करोड़ रुपए में ये सेंट्रल विस्टा के नाम से एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके जरिए देश में नई संसद बनाई जाएगी, और कहा जा रहा है कि देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ के पहले इसको पूरा कर लिया जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहा गया। लेकिन सवाल पूछा जाएगा कि जब देश में बेरोजगारी की हालत यह है कि देश में बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है, ऐसे में देश के मुद्दों को उन पर बात करने की बजाय क्यों नई संसद के ऊपर जो है वो बात की जा रही है, क्यों नई संसद के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। और सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि देश की संसद में बने कानूनों के खिलाफ देश का धरती पुत्र किसान सड़कों पर बैठा है, लेकिन संसद उसकी सुन नहीं रही, सांसद उसकी सुन नहीं रहे हैं, और ऐसे में एक नई संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, क्या यह वाकई सही है? क्या इस पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? और सवाल यह भी पूछे जाएंगे जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप इसमें कोई भी निर्माण नहीं कर सकते हैं, केवल शिलान्यास भरे तक की जो है वो मंजूरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी। क्योंकि आपको मालूम होगा कि 5 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। एक याचिका लंबित है जिसके तहत इस पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि क्या आपको लगता है कि देश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद के लिए आज नींव रख दी है और वहां पर शिलान्यास के लिए पट लगा दिया गया है? अब उस शिलान्यास पट को तोड़ दिया जाए अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके खिलाफ में आ जाए, या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ही अब शिलान्यास का पट वहां पर लगा दिया गया है इसलिए अपना फैसला संसद के जिस तरह से नींव रखी गई है उसके हक में दिया जाना चाहिए? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। सवाल आखिरकार यह भी बन जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों राष्ट्रपति जी को और उपराष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाते हैं? सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए।
हम आपको एक एनडीटीवी की खबर पढ़कर के सुनाते हैं, 7 दिसंबर की खबर है और इस खबर में लिखा है सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से झुकी केंद्र सरकार, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नहीं होगा कोई निर्माण, शिलान्यास को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से केंद्र सरकार झुक गई, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कोई निर्माण नहीं होगा। केंद्र ने अदालत में कहा कि सिर्फ शिलान्यास करेंगे। और स्थिति पैदा क्यों हुई? ये स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ में याचिका लंबित है और ऐसे में उस पर कोई फैसला अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 5 नवंबर को सुरक्षित रख लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई हालांकि स्टे नहीं लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट यह समझ रहा था कि सरकार इस पर अपना गंभीर रुख दिखाएगी और सरकार कोई शिलान्यास वगैरह नहीं करेगी। लेकिन सरकार कहां पर ठहरी? सरकार ने अपना आनंद फानन में डिक्लेयर कर दिया कि 10 दिसंबर को वो इसका उद्घाटन करने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद में खुद सुप्रीम कोर्ट इस पर सुमोटो लेती है। सुमोटो लेकर के सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इतनी उदासीनता बरतेंगे। ये सुनिए, कोर्ट ने सोलिसिटर जनरल से कहा कि हमें उम्मीद थी कि आप कागजी कार्रवाई आदि के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन इतनी आक्रामक तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे कि आप निर्माण शुरू कर दें। कोई स्टे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप निर्माण शुरू कर सकते हैं। हमने कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया क्योंकि हमें लगा कि आप विवेकशील लोग हैं, आप न्यायालय के प्रति अपनी उदासीनता नहीं दिखाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और कितनी फजीहत हुई है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को, सोचिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगाता, अगर देश की नई संसद बनने पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दी जाती तो दुनिया भर में हमारी कितनी फजीहत होती कि देश की सुप्रीम कोर्ट को ही नई संसद पर स्टे लगानी पड़ी और वहां पर सरकार नई संसद बनाने के लिए अड़ी हुई है। ये जो है वो क्या दुनिया में संदेश जाता, इस पर अपने आप में जो है वो विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोलिसिटर जनरल को अपना पक्ष रखने के लिए 5 मिनट का समय दिया। कोर्ट ने कहा कि 5 मिनट में जवाब दे, हम आदेश को पारित करेंगे। इसके बाद सोलिसिटर जनरल ने कहा कि सिर्फ शिलान्यास करेंगे, किसी तरह का निर्माण या तोड़फोड़ या पेड़ नहीं काटेंगे। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना आदेश दिया कि ठीक है, आप अपना वहां पर शिलान्यास कर सकते हैं। लेकिन दिन भर ये खबर किसी मीडिया चैनल ने नहीं बताई कि सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर एक याचिका लंबित है जिस पर कोई अभी फैसला नहीं आया है। और हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके खिलाफ आए तो वहां पर केंद्र सरकार नई संसद का निर्माण भी नहीं कर पाए। लेकिन आज ऐतिहासिक दिन यही लाइन जो है वो बार बार चलती रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाएगा। संसार भर में भारत को लोग अब मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जानेंगे। लेकिन ऐसी कैसी डेमोक्रेसी होती है जहां पर देश का अन्नदाता, देश की 60% आबादी सड़कों पर बैठी है, देश की 60% आबादी का प्रतिनिधि करने वाला किसान सड़कों पर बैठा है और उसकी संसद सुनसान हो गई है, उसकी संसद को सुनाई नहीं दे रहा है। तो फिर ऐसे देश में कैसी डेमोक्रेसी है और देश ऐसे फिर कैसे बन पाएगा मदर ऑफ डेमोक्रेसी? ये तो सवाल अपने आप में पूछा जाना चाहिए। बहरहाल आपकी राय क्या है? क्या वाकई आपको लगता है कि देश में एक नए संसद भवन की जरूरत है, इसका निर्माण करना बिल्कुल वाजिब है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये एक बेफिजूल है, इस पर खर्चा बिल्कुल नाजायज है और इसके बजाय हमें एम्स जैसा एक कोई बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर खड़ा करना चाहिए था ताकि देश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके और देश के लोगों की जान बच सके, क्योंकि कोरोना महामारी का समय है। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज एजेंडा को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई नई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। साथ ही ऑनलाइन न्यूज एजेंडा का फेसबुक पेज भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।